लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रही और मैं घर में कहाँ घूम रही हूँ, तो भाई मैं अपनी पसंदीदा चप्पल ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे नहीं मिल रही है। मैं अपने घर वालों से कहती हूँ भाई मेरी चप्पल मत पहना करो, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है मेरी चप्पल पहनने में। अब ढूंढते रहो घंटों, अब बाहर जाके देखो कि है या नहीं। तो मैं बाहर जा रही हूँ देखने के लिए, मेरी चप्पल बाहर तो नहीं है। ओह शिट, ये देखो कहाँ रखी है मेरी चप्पल, यहाँ पर, बंदा अंदर चप्पल यहाँ पर। ये अजीब, अब हम अंदर जा रहे हैं। क्या क्या पूछ रही हो? विदर, हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत माजरत, इतना ज़्यादा वेट करवाया, मतलब सब पूरी चीज़ें करने के बाद मैं बोलना शुरू करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है, समझें प्लीज़। आप सब लोगों को दूसरा रोज़ा मुबारक, दूसरी सहरी मुबारक। और अभी अब सोच लूँ कि यार आज इतनी ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं है जो अभी आए टेम्परेचर सॉरी आज इतना ज़्यादा ठंड तो नहीं है जो अभी आने ये स्वेटर पहना हुआ है। तो आपकी अभिया हो गई है बीमार और आपके अभिया को बहुत तेज़ बुखार है, तो इसने आपके अभिया ने ये स्वेटर पहना हुआ है। इधर मुझसे मेरा हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है, ये स्वेटर पहना है और उसके नीचे एक शर्ट पहनी हुई है क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, और ये मैंने दुपट्टा पहना हुआ है ना। आपने मुझे बताएगा कि आपकी अभिया लग कैसे रही है। बाय द वे आई थिंक मैं शायद वो वाहिद व्लॉगर हूँ जो व्लॉग बनाते हुए तैयार नहीं होती, मतलब मैं नहीं तैयार होती। ये मेरा मुंह, मैंने मुंह नहीं धोया, मुझे मुंह धो के टेंट लगा के और क्या कहते हैं ग्लॉस लगा के अपना व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए था, बट मैं उठी और जैसे उठी मैंने वैसे ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो आज जो है हमने बनानी है सहरी, क्योंकि अपने लिए नहीं, छोटी बहन के लिए और मामा के लिए, क्योंकि मामा सो रही हैं और रबाब की फरमाइश है कि मैं उसके लिए पराठा बना दूँ, परौठा बना दूँ, क्योंकि उसको बहुत दिल चाह रहा है। तो मैं जा रही हूँ उसके लिए पराठा बनाने के लिए, और बाकी सारी बातें और चीज़ें हम आगे जाके करते रहेंगे। रवा मुझे ना सारी चीज़ें निकाल के दे दो, फिर उसके बाद ना मैं बना लूँ सहरी, क्योंकि मेरी सहरी तो बनी हुई है, तो मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाना है। मामा के लिए नहीं बनाया ना अभी, तो सुबह नाश्ता कर लेंगे। दिस तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। ओके, पराठा बनाने जा रही हूँ, इससे पहले मैं इसको इस तरह से कर लूँगी, क्योंकि भाई मैं किचन में दुपट्टा इस तरह से नहीं रख सकती, मुझे डर लगता है आग से जल जाऊँगी ना, तो इसको हम कुछ इस तरह कर लेंगे। जी बाजी, कौन से पराठा खाएंगी आप? मैं आलू का पराठा खाऊंगी। बाजी आपको मैंने खाने के लिए पूछा है, अपनी नकल उतारने के लिए नहीं पूछा, आलू का पराठा खाऊंगी। बाजी इज्जत रास नहीं है क्या? नहीं मुझे नहीं है, जब भी तो बोल रही हूँ आलू का पराठा खाऊंगी। जी बाजी, सारी चीजें क्योंकि तवा खा रखा हुआ है, बहुत ऑफ लग रहा है यार, तवा खा रखा हुआ है। ऐसा होता है जो लोग घर में काम करोगे तो पता चलता है ना, उनको कुछ नहीं पता होगा, और जो घर पे काम नहीं करते उनको भी कुछ नहीं पता होगा। अभी अगर मामा उड़े ना ये ठड़ा मेरे मुंह पे आएगा। गाइस, अगर जो इंसान किचन में काम कर रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। तो ये हमारी नई नवेली दुल्हन है जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। सभी हमारे दुल्हन पराठा बनाने खड़ी हो गई है, बिल्कुल। या लड़ने जा रही हैं आप ऐसे, या पराठा बनाने जा रही हैं? मैं परौठा बना रही हूँ, परौठा। ऐसा तो नहीं था कि उसे पराठे बनाने नहीं आते थे, उसे आते थे, बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि उसने एक दफ़ा बना दिए तो उसकी रोज़ाना की ड्यूटी लग जाएगी। तो इसलिए उसने फैसला किया कि वो अच्छे पराठे नहीं बनाएगी, ऐसे पराठे बनाएगी कि दूसरा बंदा खा ही ना सके। जब टीचर बात कर रही होती तो बच्चे नहीं बोलते, इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से आटा डाल देंगे, खुश्की होती है, एक ही बात है। और ये इधर दिखाएं, इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम थोड़ा सा आलू लिया,
ओह शिट, मैंने तो इसको चमचे से लेना चाहिए था ना, कोई बात, शुगर अम्मी नहीं है अभी, और इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हमने जो रखा ना, अब हमने इसको इस तरह से करना है, पठान वाला बनाती ना, वो पठान वाला चकोर में बनाता है, चार पीसेस में, चार पीसेस वाला खाना है, मतलब बेल के बाकी में इज्जत रास नहीं है, जो मैं खिला रही हूँ इज्जत रास ही नहीं है। ये देखें देखें, ये आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा। अभी मैं आपको उसको बेल के दिखाऊंगी, लेकिन अभी इसकी एक दो चीजें बाकी है। गाइस, अगर आपको लगता है कि आलू का पराठा बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आलू का पराठा, उफ आप आलू, उफ आलू का पराठा, ये डबल भी करो तंग कर रहा है, आप आलू का पराठा बहुत आसान तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया। भाई पेट में जाना है ना बस, तो आपने पेट देख के बनाना है, जैसे पेट होता है वैसा पराठा। तो ये अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से दे देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए प्लीज मत देखिए, आप लोगों से देखा नहीं जाएगा, देख लें नहीं। वैसे बाय द वे आलू का पराठा ऐसा नहीं बनता, लेकिन क्योंकि अभी टाइम जो है वो बचा नहीं है, मैं इतनी देर से बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, मैं पराठे ऐसे नहीं बनाती, अच्छे बनाती हूँ, लेकिन अभी यह बहुत नींद आ रही है और बस मुझे देना था, तो मुझे पता है इसको इसको खिलाऊँ, इसी के तो पेट में जाना है, तो किसी भी तरीके का बनाओ खा ही लेगी। मैं आपको बहुत अच्छे से पराठे सीखने का, आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, मैं आपको बहुत अच्छे से खाना बनाना सिखाऊंगी। बाय द वे मैं पराठे ऐसे नहीं बनाती, ये बस ऐसे ही बन गया, मैंने जल्दबाजी में बनाया था। बहुत अच्छी तरीके से इसमें लच्छे दिए जाते हैं, उसके बाद इसके अंदर इसकी फिलिंग होती है, और उसके बाद उसको दोबारा से उसका दोबारा से इसको बेटा जाता है, उसका सब कुछ किया जाता है, तो वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम कम था। सो प्लीज़ आप मुझे मेरे पराठे से जज मत कीजिएगा। पराठा हो रहा है, हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं, वो मैंने ऐसी मजाक मजाक में बनाया था, अब मैं आपको असल में दिखाऊँ, उससे पहले आपने असल मजाक करती हूँ मैं आपके साथ। आप गुस्सा भी निकाल सकते हो किसी का भी। मैंने कहा था मुझे पराठा बनाना आता है, लेकिन वो मैंने मजाक में किया था, तो अभी पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर सेहरी लगाएंगे, सेहरी करेंगे और फिर बाकी की। अभी पहले मैं ये भी दिखाऊंगी, इससे पहले कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, ओ माय गॉड अभी आपको पराठे नहीं बनाना, आपके भैया को सब बनाना आता है, पागल भी बना। ये मामा का पराठा है, तो हम इसके ऊपर कम घी लगाएंगे, और भैया ने इतना अच्छा ज़बरदस्त पराठा बनाया है, तो मैं बस आ गई हूँ यहाँ पर अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत हिम्मत करके आज का व्लॉग बनाया है, बाकी कि मैंने पार्ट जब आपको कहा था रिकॉर्ड कर ले, तो उसने कहा आप ही, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो जो है जब टाइम मिलेगा तो उसको एडिट करेंगे, फिर इसको अपलोड कर देंगे, और मैं सो रही हूँ, बल्कि नहीं मुझे अभी उठना पड़ेगा, अभी एक चीज़ करनी है, और फिर इसकी जो है आई थिंक इसकी एंडिंग भी मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के रोज़ा कैसा गया, आप लोग सेहरी में क्या खाना पसंद करते हैं, और आप लोगों के घर में सेहरी, जैसे कि जब मेरे बाबा थे तो उनको ना वो फेनी कहते हैं ना खाने के लिए, हाँ शायद वो एक होता है कुछ जो सवैयों की तरह होती है, मुझे आई एम सॉरी नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो मेरे बाबा को ना वो दूध के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती थी, तो जब वो ज़िंदा थे तो हम लोग वो खाया करते थे, हम लोग नहीं थे बाबा, तो वो सेहरी में वो खाते थे, और मैं खाती थी दही उसमें चीनी डाल के और पराठे के साथ, ये मैं खाती थी, ये मेरी सेहरी हुआ करती थी। लेकिन अब जो है वो टाइम चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो अब सेहरी भी चेंज हो गई है, और बहुत कुछ चेंज हो गया। तो मैंने रबाब से कहा कि बाकी का सारा पार्ट तुम रिकॉर्ड कर लो, रबाब ने कहा भी मैंने सारा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, आप बेफिक्र रहे। मैं कहा ठीक है यार तुम कर लो, थोड़ी सी तबीयत मेरी सेट नहीं है, मेरी ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं डाउन हो रही हूँ, तो कहीं हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, सब कुछ कर लिया। अब जब मैंने चेक किया मोबाइल तो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किए थे उसने, क्योंकि मैडम बस रिकॉर्ड करना भूल गई, बस वो कैमरा ही मोबाइल यूज़ कर रही थी लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन खैर चलो उसकी भी कोई गलती नहीं है, तो बाकी के सारे पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए सेहरी से लेकर उसके बाद तक के। और अभी ये रबाब नमाज पढ़ रही है, मामा भी उठ गई हैं, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह जाना है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने अभी के चैनल को।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ नेक्स्ट डे. टेक केयर.